brought to you by Yogurt, an app that makes you write and perform. कि तन की, मन की और जीवन की कठिनाइयां उसका जीवन है, तन की, मन की और जीवन की कठिनाइयां उसका जीवन है, अपनों के लिए मर मिट्टी चरित्र पर फिर भी लांछन है, और देह धर्म और मूल्य अकिंचन सब कुछ करती अर्पण है, पर या तो मिलता बहिष्कार और या फिर मिलते बंधन है, पर या तो मिलता बहिष्कार या फिर मिलते बंधन है। गुस्सा और आक्रोश लिखूंगा, गुस्सा और आक्रोश लिखूंगा, अग्नि का उद्बोध लिखूंगा, झूठे समाज की झूठन पर मैं शब्दों का प्रतिरोध लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। अभी शब्द हैं कच्चे, अनुभव कम है, अभी शब्द हैं कच्चे, अनुभव कम है, भाव भंगिमा अभी मध्यम है, मन में विचार हजार उबलते, अभिव्यक्ति का स्तर दोयम है, अभिव्यक्ति का स्तर दोयम है। गति समय की देख रहा हूं, खून से आंखें सेक रहा हूं, गति समय की देख रहा हूं, खून से आंखें सेक रहा हूं, अपने ही नसों की ज्वाला को अपने ही तन से लेप रहा हूं, अपने ही नसों की ज्वाला को अपने ही तन से लेप रहा हूं। शिव कंठ विशैला शांत करे जब ऐसी सुधा मिल जाएगी, शिव कंठ विशैला शांत करे जब ऐसी सुधा मिल जाएगी, तो ठंडा कर अंतर्मन को और बाहर अपना रोष लिखूंगा, पीड़ जनित आक्रोश लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। हमारा ना जो भी लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और किसी क्षेत्रीय भाषा में रहते हैं, तो हमारा होता है यार, हमें शब्द नहीं मिलते वो जो वहाँ पे एकदम बिल्कुल बैठ जाए, कुछ एक मात्रा इधर कुछ इधर हो जाती है, वो बहर या फिर छंद की जो लय हो वो बैठाने वाले शब्द चाहिए होते हैं, लय चाहिए होती है, बहुत हमारा प्रयास रहता हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसको समर्पित यह अगला बंद है कि जो कहना चाहूँ शब्द भी वैसे, चोट भी वैसी, घाव भी वैसा, जो कहना चाहूँ शब्द भी वैसे, चोट भी वैसी, घाव भी वैसा, जैसी चाहूँ वैसी लय हो पैदा कर दूँ भाव भी वैसा, जैसी चाहूँ वैसी लय हो पैदा कर दूँ भाव भी वैसा, अलंकार भी इच्छा के हो छंद यति भी इच्छा की, अलंकार भी इच्छा के हो छंद यति भी इच्छा की, और एक दिन ऐसा कुछ लिख दूँ कि काल गति भी इच्छा की, एक दिन ऐसा कुछ लिख दूँ कि काल गति भी इच्छा की। जो बड़े लेखक हैं उनको आज तक हम याद करते हैं, तो उनकी काल गति भीष्म पितामह की तरह इच्छा की है कि वो जब चाहेंगे जब ही जाएंगे, शायद जब भी नहीं जाएंगे हम उन्हें याद रखेंगे। एक दिन ऐसा कुछ लिख दूं कि काल गति भी इच्छा की और आंख तीसरी से जल उठूं मैं, उस दिन अपना क्रोध लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। आगे सुनते हैं, अमृत्व जो कविवर पाते हैं उनकी व्यथा निरंतर रोती है, अमृत्व जो कविवर पाते हैं उनकी व्यथा निरंतर रोती है, स्वयं धरा की धूल बने कविता अगम अगोचर होती है, स्वयं धरा की धूल बने कविता अगम अगोचर होती है, और मधुशाला की मस्ती में तुम बच्चन का अनुनाद सुनो, मधुशाला की मस्ती में तुम बच्चन का अनुनाद सुनो, और या फिर रश्मि रथी मुख से तुम दिनकर का संवाद सुनो, मधुशाला की मस्ती में तुम बच्चन का अनुनाद सुनो, और या फिर रश्मि रथी मुख से तुम दिनकर का संवाद सुनो, और भाव समर्पण होता क्या है सुनो मीरा के दोहों में, भाव समर्पण होता क्या है सुनो मीरा के दोहों में, या आजादी की व्यथा बताती मंटो की आवाज सुनो, या आजादी की व्यथा बताती मंटो की आवाज सुनो, और दुर्भावों के सम्मोहन पर मधुरागों की धुनी रमा दूं, शब्द मिला के भस्म जगा दूं, उस दिन मैं प्रतिशोध लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। दुर्भावों के सम्मोहन पर मधुरागों की धुनी रमा दूं, शब्द मिला के भस्म जगा दूं, उस दिन मैं प्रतिशोध लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। कि चीखने वाली बात हो कोई उस पर हास्य आखेट करे, आखेट शिकार को कहते हैं, चीखने वाली बात हो कोई उस पर हास्य आखेट करे, और कभी कोई सादा सा किस्सा दूर क्षितिज तक चोट करे, और कभी कोई सादा सा किस्सा दूर क्षितिज तक चोट करे, और मूक भाव भी भर जाए जब रक्त भरी हुंकारों से, और मूक भाव भी भर जाए जब रक्त भरी हुंकारों से, या बस शून्य सिफर निकले जब अंदर के अंगारों से, मूक भाव भी भर जाए जब रक्त भरी हुंकारों से, या बस शून्य सिफर निकले जब अंदर के अंगारों से, जब कोई चांद गगन का दागी हो और निशा निमंत्रण मुझे मिले, मेरे समाज में कोई ऐसी समस्या हो, कोई चांद गगन का दागी हो और निशा निमंत्रण मुझे मिले, तो अधरों से स्पंदन लेकर अंतर का अनुरोध लिखूंगा, तो अधरों से स्पंदन लेकर अंतर का अनुरोध लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा, एक दिन तांडव स्तोत्र लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।